वेल अमीर आदमी रहता था नेम नईम इन अ बिग टाउन उसका नाम कहता नईम जो कि एक बड़े टाउन में एक अच्छे इलाके में रहता था ही हैड ऑल द कंफर्ट्स एंड लेड लग्जरीस लाइफ जिसके पास तमाम कम्फर्ट्स थी और लग्जरी लाइफ थी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता ही हैड इवन लग्जरी एट डोर स्टेप एंड अफोर्ड टू फील फीड ऑल पीपल ऑफ़ हिज टाउन उसके पास इतना पैसा था कि वो अपने पूरे टाउन अपने पूरे टाउन में अपने गांव को इलाके को पाल सकता था ही ऑलवेज ऑलवेज बूस्टेड ऑफ हिज लक्स लाइफ इन हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव लास्ट मंथ वन ऑफ हिज फ्रेंड फाहिम हुन लिविंग एनदर सिटी कम टू स्पेंड हॉलीडेज विद हिम लास्ट मंथ क्या हुआ जो कि अमीर आदमी का दोस्त था जिसका नाम क्या था फ़हिम वो आया कुछ दिन स्पेंड करने के लिए किसके घर में नहीम के घर में फहीम नॉट फाउंड ऑफ लग्जरियस लाइफ स्टाइल फ़ीम जो था वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल का आदि नहीं था ही वॉज सेंसिबल एंड विश मैन वाइज मैन ऑलवेज फेल्ट एंड लाइज द हार्डशिप ऑफ द पुअर एंड नियरली पीपल वो एक सेंसिबल आदमी था और वो सेंसिबल होने के साथ साथ वो एक वाइस वाइस मीन अक्लमंद भी था जो समझता था कि गरीब लोगों की हार्डशिप क्या है उनकी मजबूरियाँ क्या है

डे विजिट द स्लिम एरिया ऑफ़ द टाउन टू शो फीम द लाइफ ऑफ पुअर पीपल एक दिन नई ने क्या प्लान किया कि वो फ़ीम को ले जाएगा ऐसी एरिया में जहाँ सिर्फ गरीब रहते थे ताकि वो फ़हम समझ सके के लोग कैसे रहते हैं गरीब लोग कैसे रहते हैं नहीम टुक आउट हिज एक्सपेंसिव कार फ्रॉम हिज बेंगलोर टू टेक फ़हम विज़िट टू द स्लम एरिया ऑफ़ द टाउन नईम ने अपनी न्यू एक्सपेंसिस एक्सपेंसिव कार अपनी बैंगलोर से उठाई और नईम फहीम को ले गया एज द रीच इन टू द स्लम एरिया नईम से टू फहीम लुक द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल एंड एरिया जब वो उस इलाके में पहुँचा तो नईम ने फहीम से क्या कहा देखो इन लोगों की कंडीशन को और इस एरिया को देखो फहीम डिड नॉट से एनी थिंग फहीम ने कुछ ना कहा जस्ट कीप जस्ट कैप्ट ऑन लुकिंग एट द एरिया सिर्फ वो उस एरिया को देखता रहा देर dogs पैक ऑफ स्ट्रे here एंड बार्किंग जहाँ पर क्या था बहुत सारे डॉग्स कुत्ते थे जो कि यहाँ और वहाँ बार कर रहे थे पार्किंग um, में भौंकना कहते हैं जो यहाँ वहाँ भौंक रहे थे ट्रैश कुड बी सीन seen everywhere, हर चीज टूटी पूटी नजर आ रही थी नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन ना तो कोई बिजली का और ना ही कोई पानी का बेहतर इंतज़ाम था चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अन हाइजीनिक कंडीशन जो बच्चे थे वो एक आलूदगी की जगह पर और वह हम कह सकते हैं मट्टी में फे जो कि बच्चों के लिए अन हाइजेनिक है वहाँ पर खेल रहे थे एट समिटेंस दे पीपल प्लगिंग एंड कल्टिवेटिंग द फील्ड कुछ डिस्टेंस पे क्या देखा कि लोग फसलें काट रहे हैं